नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड अमित। तो आज मैं लेकर आया हूँ ट्रांस हार्बर लिंक की अपडेट, जिसका इंतज़ार हम सभी को है और हम सब चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द तैयार हो और हम इस पर ट्रैवल कर सके। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि 91% ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क कम्प्लीट हो चुका है। अगस्त 2023 तक इसे पूरी करने की डेडलाइन है। मेन ब्रिज का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। रैम्स और इंटरचेंज लूप्स को कनेक्ट किया जा रहा है मेन ब्रिज से। ब्रिज की टोटल लंबाई 26 किलोमीटर्स है और ये बहुत ही इजीली कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई एंड नवी मुंबई को। ये प्रोजेक्ट रियल स्टेट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नियर बाय एरियाज जैसे तुर्बे, घनसोली, ऐरोली, उल्वे, द्रोणागिरी, वाशी और पनवेल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉपर्टी बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। तो अगर आप भी फ्यूचर में कुछ अच्छा चाहते हैं तो इन एरियाज में आप निवेश कर सकते हैं। इस ब्रिज के आने से लोनावला, खंडाला, पुणे से मुंबई की तरफ ट्रैवल करने पर 90 मिनट्स तक का समय कम हो जाएगा। MTHL ब्रिज कनेक्ट होगा अंडर कंस्ट्रक्शन 8-लेन कोस्टल हाईवे जो मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सीलिंग को जाता है। इस पर ट्रैवल करते हुए हमें बहुत सारे अच्छे और खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस ब्रिज से और भी बहुत सारे फायदे हमको मिलने वाले हैं। जल्दी ही लेकर आऊँगा इसकी आगे की प्रोग्रेस और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कवर करने की कोशिश करूँगा। आप सब बने रहिए मेरे इस चैनल पे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।